हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो सोशल साइंस में। तो ये जो मेरे पास है ये टॉपर का आंसर शीट है, ठीक है। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो कुछ इस तरीके से आंसर शीट मिलता है। ये देखो, इस साइड जो रहता है यहाँ पे आप देख रहे हो लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग दिख रहा है। तो ये आपको OMR शीट रहता है जिसमें आपकी डिटेल को फिल करना रहता है, ठीक है। और इस साइड आपको रोल नंबर वगैरह फिल करना रहता है जो कि यहाँ से हटा लिया गया है। तो सबसे पहले आप जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट कोड लिख लेना होगा, उसके बाद डे लिख लेना होगा और डेट लिख लेना होगा, उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग ऑफ पेपर लिख लेना होगा, ठीक है। और कोड नंबर, कोड नंबर जो होता है क्वेश्चन पेपर पे कोड नंबर आता है उसको यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद सेट नंबर भी क्वेश्चन पेपर पे प्रोवाइड रहता है तो आपको सेट नंबर भी वहाँ से देखकर आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर शीट मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आंसर को लिखा है। तो एग्जामिनर ने क्या दिए हैं, फुल मार्क्स इनको मिला है, ठीक है। जैसे कि सेक्शन ए है, डैट इज MCQ वाला सेक्शन, जो 1 मार्क्स का सेक्शन होता है, इसमें इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा है आंसर को। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन लिख दिया है, उसके बाद ऑप्शन लिखा है, ठीक है। इनमें से ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन का नंबर दिया है, जैसे ABCD। उसके बाद ऑप्शन के नीचे लिखा है जैसे ओटोमन, बिस्मार्क, जर्मनी, कुछ इस तरीके से उन्होंने आंसर लिखा है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, कुछ इस तरीके से आंसर लिखना है, एकदम आपको लाइन वाइज लिखना है। जैसे कि इन्होंने 1 2 3 4 उसके बाद ऑप्शन लिखा है, उस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक है। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस आंसर शीट को पूरा देखकर जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you for watching and have a nice day.